तो इस यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चर्च भी है। मैं जा रहा हूँ कैंपस क्रीरी और इस समय का मौसम बहुत अच्छा बन रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ। ये मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, शहर के बीचों बीच से रास्ता गुजरता है पहाड़ों पे और कुछ देर में पहाड़ शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा और ग्रीन बुरुंडी, क्लीन बुरुंडी, ब्यूटीफुल बुरुंडी, बुजुम्बुरा, हार्ट ऑफ अफ्रीका। Gatumba is very good. Gatumba. That's time of the fraud. Yes, yes, yes. Maji, Maji. Yeah, yeah, yeah. You remember when Rusiji? Yeah, the first time we go there to Winerekwa. Winerekwa. Winterkwa. Yeah, yeah, yeah. You know, we found the school. The Lord is full of the magia. Jesus. And of course. ये रोड बहुत अच्छा है और यहीं पे एक यूनिवर्सिटी भी है, दो दो यूनिवर्सिटी है। यस यस, ये सामने टुक टुक देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे ये यूज होता है। टीवीएस, टुक टुक, बजाज, जो कह लें आप, ऐसा कुछ नज़ारा है। वाह, इस समय बज रहे हैं दिन के 4:30, तीन बज के तीस मिनट हो रहे हैं और ये देख सकते हैं हरियाली। रोड पे ऐसी हरियाली हो तो फिर, और रोड इतना क्लीन हो, फिर कहना ही क्या लगता है आप यूरोप में आ गए। तो हमारा अफ्रीका भी किसी यूरोप से कम नहीं है, आप मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। तो जहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ दिखाता हूँ आपको अपने अंदाज में। आप ये, हम लोग अब ये रास्ता ले रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जाएगा सीधे पहाड़ पे, कैंपस के यूनिवर्सिटी पे। जो कैंपस है पहाड़ों पे, एक यूनिवर्सिटी है बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे। तो रास्ता शुरू हो चुका है, बहुत ही शानदार नज़ारे। ये देख रहे हैं सामने पहाड़ और चारों तरफ हरियाली और इसके बीच में ये बने मकान, बहुत ही खूबसूरत।
मज़ा आ जाता है। मैं तो थोड़ा ऑफिस से रिलैक्स होने के लिए मैं इधर ही चला आता हूँ, एक आध घंटे पहाड़ों पे, आधा घंटा पहाड़ों पे। वहाँ पे एक छोटा सा स्टेडियम भी है, वहाँ पे बैठ के थोड़ा फुटबॉल वुटबॉल वॉच करता हूँ, उसके बाद फिर घर जाता हूँ। रिलैक्स हो जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। सामने देख पा रहे हैं कैंपस किरीरी गार्डन होटल है, और ये बहुत ही अच्छा होटल है। इस पर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा आके, तो अच्छा लगता मुझे यहाँ पे आना। ये देख सकते हैं ये बैक साइड है इसकी, मैं इसको फ्रंट से दिखाऊंगा आपको। वो हम लोग चढ़ते ही जा रहे हैं ऊपर की तरफ। वाव, ये नज़ारे देख सकते हैं, ऊपर यूनिवर्सिटी दिख पा रही होगी आपको। ये सामने यूनिवर्सिटी दिख रही है ऊपर की तरफ, ये पहाड़ों पे है। चल रहे हैं हम लोग एकदम डायरेक्ट उसी की तरफ, पहुंचने वाले हैं। और नज़ारे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ये हरी भरी पहाड़ियाँ दिल जीत लेती हैं। पास्कल, यू अंडरस्टैंड हिंदी उर्दू? मैं अपने ड्राइवर से पूछ रहा हूँ, आप हिंदी उर्दू समझते हो? तो बोल रहे नहीं। अपना प्रॉब्लम पापा, द लैंग्वेज डज नॉट मैटर पापा, इफ यू नो द साइन लैंग्वेज इट्स बेटर, यू कैन डील इन एनी वर्ल्ड, नो इशू। यू आर अ वेरी गुड ड्राइवर, यू आर अ गुड ह्यूमन बींग टू, so we are brother, yeah we are brother, driver. Everyone have a different profession. If you are a driver, I am all engineer, I'm doing my work, you are doing your work. Yes. So everyone, they are doing their responsibility. Yes. For the nation. Yes. For the country. Yeah. So don't underestimate papa, no. You are doing service of the nation. That's good. पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, ये देख सकते हैं। वाह, क्या नज़ारे हैं। और कभी कभी बारिश होती है तो बारिश में और नज़ारे अच्छे हो जाते हैं। ये आ गया यूनिवर्सिटी का मेन गेट। पास्कल गो इनसाइड। तो फुटबॉल हो नहीं रहा, मैं सोचा फुटबॉल हो रहा होगा, बट शायद संडे को है, तो संडे को आऊँगा। तो इस यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चर्च भी है। यह है चर्च और यह है इसका मेन गेट, देख सकते हैं आप। वाह, तो दिखाता हूँ इसको, इस साइड से तो आपको नहीं दिखा पाऊँ। तो ये देख सकते हैं आप नज़ारे चर्च के, और ये है यूनिवर्सिटी कैंपस। ये है यूनिवर्सिटी के नज़ारे, और पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है ये ग्राउंड, देख रहे हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और ये है यूनिवर्सिटी, वाह नज़ारे। तो एक साइड से बहुत तेज धूप आ रही है, बैक टू पवेलियन जा रहे हैं हम लोग घर। तो कैन वी गो अप साइड ऑन दैट होटल? अप दे, हाँ। इफ यू आर इन दैट होटल, यू कैन गो अप।